वेलकम बैक बैक टू माय चैनल दैट्स एकेडमी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द एमसीक्यूज ऑन इंटरनेट जो हमने इंटरनेट टॉपिक पढ़ा था थेरेटिकल सारा पोर्शन अब उसी के बेसिस पे हम थोड़े से एमसीक्यूज uh, सी करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक दैट इज पहला क्वेश्चन आपका जो है चलिए डिस्कस करते हैं दैट इज द वर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर जो कनेक्ट करता है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल को पूरी दुनिया में उसको क्या बोलते हैं क्या उसको लैन बोलते हैं नहीं वेब नहीं हाइपर टेक्स नहीं तो इंटरनेट बोलते हैं उसको जो हम पढ़ चुके हैं तो अनदर क्वेश्चन आपका जो है इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट जो है वो किस चीज़ का सिस्टम है वेब पेज का सिस्टम है नहीं नहीं वेबसाइट सॉफ्टवेयर बंडल्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो इसमें क्या होता है बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं करेक्ट आंसर फोर्थ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंटरनेट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बिल्कुल करेक्ट इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस ये भी करेक्ट थर्ड इंडियन गवर्नमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक फोर्थ ऑल ऑफ द एबो तो इसमें क्या है ये चारों के तीनों के तीन ऑप्शन करेक्ट हैं तो राइट आंसर विल बी द ऑल ऑफ एबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है द इंटरनेट अलाउस टू हमारा इंटरनेट हमें किस चीज़ में मदद करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने में यस, वेब पेज को व्यू करने में भी कनेक्ट सर्वर्स को दुनिया में डिफरेंट सर्वर्स के साथ कनेक्ट होने में भी तो ऑल ऑफ एबू इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये ये सारी तीनों चीजों में हेल्प करता है हमारा इंटरनेट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल क्या है इनमें से तो इसकी एग्जाम्पल है इंटरनेट क्योंकि इंटरनेट में ही हम बहुत सारे मिलियंस टेरेंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं जहां से फिर हम नेट का यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी इंटरनेट तो अगला क्वेश्चन जो है दैट इज इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द इंटरनेट जो है ये हमारा डेवलप कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर है नाइनटीन हमारा इंटरनेट डेवलप नाइनटीन में हुआ था तो बढ़ते हैं आपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डी एस एल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन डी एस एल हमारा किस कनेक्शन का एग्जाम्पल है तो डीएसएल हमारा ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है तो करेक्ट आंसर विल बी दो ऑप्शन फोर दैट इज ब्रॉडबैंड तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश नेटवर्क कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हम कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट में अगर हमें पब्लिक इंटरनेट एक्सेस चाहिए जैसे हॉटस्पॉट वगैरह के लिए तो उसके लिए हमें कौन सा आ, इंटरनेट एक्सेस चाहिए दैट इज़ द वाईफाई वाईफाई हम यूज़ कर सकते हैं चाहे कॉफी शॉप रेस्टोरेंट्स कहीं भी जगह तो अपना अगला क्वेश्चन जो है बोलते हैं कि आप बताइए ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम है जो अवेलेबल होता है डिजिटल फॉर्मेट में और इससे क्या है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और इसे हम ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे तो ऐसे प्रोग्राम को हम हमेशा पोडकास्ट बोलते हैं दैट इज द ऑप्शन थ्री तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं वो प्रोटोकॉल ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए जिसमें सेट ऑफ़ रूल्स हैं ठीक है थीके? तो हमेशा जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टीसीपीआईपी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ वीडियो में तो करेक्ट प्रोटोकॉल रहेगा टीसीपीआईपी तो अनदर क्वेश्चन हमारा जो है ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है तो अगेन दैट विल बी द पी आई पी ये प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं ये कॉम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है और ये सिक्योर भी काफी है यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी कहलाता है क्वेश्चन आ चुका है एसबीआई पीओ में ठीक है तो अनदर क्वेश्चन जो है इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स मतलब कि आईपी एड्रेस जो है इसका फुल फॉर्म बताइए इन अदर वर्ड्स तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन टू तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है आईपी एड्रेस ये भी पढ़ा चुकी हूं आपको डीपली अनदर क्वेश्चन हमारा है आईपी पैकेट जो है इसमें हमें कौन सी चीज प्रेजेंट होनी चाहिए देखिए हमारा जो भी आईपी एड्रेस है सॉरी आईपी पैकेट है उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन ये पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है भेजा कहाँ से गया है और डेस्टिनेशन एड्रेस हमें ये भेजना कहाँ है तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा थर्ड वाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज IPV पी वी एड्रेस इज़ आई जो एड्रेस है वो क्या है या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि IP एड्रेस जो है उसमें डैश बिट नंबर उसमें कितना बिट नंबर होता है ये IPV4 की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा 32 बिट होगा ठीक है ये IPV दैट इज़ IPV एड्रेस 4 की बात कर, ये दो होते हैं IPV4 एंड 6 ये 4 में 32 बिट होता है करेक्ट आंसर 32 बिट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एफ जो है हमारा एफ सिंपली uh, हम बोलेंगे एफ टी हमें किसके लिए यूज होता है ट्रांसफर करते हैं फाइल्स वगैरह तो एफ का फुल फॉर्म क्या है तो एफ का फुल फॉर्म क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सिंपल वर्ड्स में वही आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन वन रहेगा तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर विच आर द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दट सेट द स्टैंडार्ड यूज बाई एवरी कम्प्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेब बेस्ड इंफॉमेशन के लिए तो हमेशा एच टी टी पी यूज़ करते हैं कि जो भी वेबसाइट आप करो उसके आगे लिखा होता है एच टी टी पी या एच टी टी पी एस तो करेक्ट uh, आंसर हमारा जो रहेगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच अब एच की फुल फॉर्म क्या है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्वेश्चन पूछा गया था आई बी पी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे आपको एक आइडिया मिलता है एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एच रिक्वेस्ट में कितने पार्ट्स होते हैं एक पाँच तीन चार या दो तो हमारे एच रिक्वेस्ट में हमेशा तीन पार्ट्स होते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थ्री तो आ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अपने वेब पे पब्लिश कर सकते हैं ठीक है तो हमारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एच डी एम एल दैट इज़ फिफ्थ ऑप्शन एच टी एम एल में अगर हमने कन्वर्ट किया डॉक्यूमेंट को तो उसको आराम से हम पब्लिश किस पे कर सकते हैं वेब पे ये क्वेश्चन आपको पी ओ आई बी पी एस में आ चुका है तो अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा इनमें से कौन सी चीज हमें चाहिए ताकि हम एक डॉक्यूमेंट को एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सके तो इसके लिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए अगर हमें टेक्स्ट एडिटर है तो उससे हम आराम से किसी भी डॉक्यूमेंट को एच एम एल में अपने डॉक्यूमेंट को एच एम एल में लिख सकते हैं तो अपना अनदर क्वेश्चन जो है टैग्स जो है जो हम एच एम एल में यूज करते हैं वो कैसे लिखे जाते है? वो कीवर्ड्स किसमें इंक्लोज होते हैं तो हमेशा उसमें हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं दैट इज एंगुलर ब्रैकेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन टू ये ब्रैकेट्स हम हमेशा टैग्स में यूज करते हैं एच लैंग्वेज में तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है टेलनेट इज है हमारा जो टेल नेट है वो क्या है एक्चुअली में तो हमारा टेलनेट क्या है ये एक प्रोटोकॉल है ठीक है तो टेल नेट का करेक्ट आंसर विल बी प्रोटोकॉल सर्च इंजन तो नहीं है क्योंकि सर्च इंजन से हम सर्च करते हैं कोई भी चीज अपने गूगल में तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखते हैं हम दैट इज़ टेलनेट जो है हमारा वो कौन से बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है क्या प्रोटोकॉल है वो तो वो हमारा टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है मतलब साउंड इमेज डिजिट एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं टेलनेट हमारा टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है तो करेक्ट आंसर टेक्स्ट बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम इनमें से किस चीज़ की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी यूजर किसी भी कंप्यूटर को आराम से एक्सेस कर सकते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी टेलनेट टेलनेट जो हमारा है इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम आराम से किसी दूसरे के कंप्यूटर को भी क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज कौन सी सर्विस हमें नेट पे एलो करती है अपनी व्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए कॉमन टॉपिक में ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर है यूजनेट यूजनेट एक ऐसी सर्विस है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स को मदद करती है आप उनकी व्यूज़ को कॉमन टॉपिक के लिए एक्सचेंज करने में तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हमें ईमेल फैसिलिटी अवेलेबल करता है ठीक है तो ईमेल फैसिलिटी हमेशा हमारा एस एम टी पी अवेलेबल करवाता है तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा एस एम टी पी ये भी एक प्रोटोकॉल है इसमें हमें ईमेल की फैसिलिटी आराम से मिल जाती है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दैट विल बी फुल फॉर्म ऑफ बी ओ आई पी वी ओ आई पी की फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज द ऑप्शन टू सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट रहेगा ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी मीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सिस इज कॉल्ड तो ऐसी सर्विस को क्या कहते हैं जो मल्टी मीडिया इंटरफेरेंस को रिसोर्स अवेलेबल कराता है तो दैट विल बी द वर्ल्ड वाइड वेब तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम शॉर्टकट में डब्ल्यू 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 भी बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द डैश यूज एन एड्रेसिंग स्कीम ज यू आर एल इंडिकेट द लोकेशन ऑफ़ फाइल्स हम किस कहाँ पे ये यू आर एल यूज़ करते हैं अपने लोकेशन को ढूंढने के लिए वेब पे तो वो भी हम डब्ल्यू 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 में ही डर्ट्स वर्ल्ड वाइल्ड वेब में जब जाते हैं वहीं यू आर एल एस भी यूज़ करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डब्ल्यू 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 जो है ये किससे बना गया है इट्स मेड ऑफ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड किस चीज से बना गया है तो पहले ही बताया है मैंने आपको वेबसाइट होता है इंटर लेकिन वेब पेज से बनाया गया होता है ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा वेब पेज कलेक्शन ऑफ वेब पेज ही आपकी वेबसाइट बनाती है तो नेक्स्ट uh, क्वेश्चन Uh, हमारा ए वर्ल्ड वाइड ए वेबसाइट एड्रेस इज़ यूनिक नेम एक वेबसाइट एड्रेस जो है ये यूनिक नेम है जो क्या स्पेसिफाई करता है किस चीज़ को बताता है ये भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बताता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वेबसाइट वेबसाइट एक यूनिक uh, एड्रेस एक यूनिक नेम होता है किसी भी चीज़ का ओके okay? तो अनदर हमारे पास जो क्वेश्चन है Uh, हम अपने वेब पेज पर पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं तो उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं जो मैं आपको थेरेटिकल पोर्शन में पढ़ा चुकी हूँ इस लिंक पे जब ओपन किया जाता है ये ब्लू कलर की होती है तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं तो अनदर क्वेश्चन हमारा जो है आ, Uh, a reference to data that reader can directly follow by selecting or hovering is तो so, uh, same चीज़ इसमें भी आएगा दैट इज़ द हाइपर लिंक पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लिंक है जिसपे हम क्लिक करके रीडर डायरेक्टली किसी भी दूसरे पेज पे पहुंच सकता है तो फिर से क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट में पूछा गया है लेकिन सेम है तो अनदर ए ब्राउजर इज़ हमारा ब्राउजर एक्चुअली में क्या है ठीक है तो so, हमारा ब्राउजर एक्चुअली में है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेज ऑन द इंटरनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम इंटरनेट पे अपने

तो अनदर क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर व्यू करना है वेब पे तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है वेब ब्राउज़र वेब ब्राउजर ही अगर आपके पास होगा तो आप कुछ भी चीज़ सर्च करके अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हो तो आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो इज दैट अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ टू व्यू वेब पेज ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो पेज को व्यू करने में हेल्प करता है तो अगैन दैट इज़ ब्राउजर ये हम पहले भी uh, एक ऑप्शन में पढ़ते चुके हैं ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली पूछा गया ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो हमें यूज़ होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज़ करने के लिए इंटरनेट पे तो वो होता है हमारे पास नेटस्कैप करेक्ट ऑप्शन है नेटस्कैप यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को भी ढूंढ सकते हैं कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं तो आपका अनदर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है जिस जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वेब पेज बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे तो ये है हमारा वेब सर्वर वेब सर्वर ही जो है इसी में बहुत सारे वेब पेज होते हैं और बहुत ही पॉपुलर सर्विस है किसकी हमारी इंटरनेट की तो अगला क्वेश्चन जो है Uh, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ एब्सोलूट डैश कंटेंट्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ फाइल ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें पूरी फाइल uh, की एड्रेस होती है इंटरनेट पे तो वो हमारा यूआरएल होता है दैट इज़ इसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है तो आपका अनदर क्वेश्चन जो है दैट इज विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेंट इन एन यू आर एल यू आर एम एल में आपके पास कौन सी चीजों का होना बहुत जरूरी है तो जो फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज ए प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर डब्ल्यू 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 एंड द यूनिक रजिस्टर डो नेम ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी यू आर एल में होनी चाहिए तो अनदर क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज हमारा लास्ट के तीन लेटर्स जो होते हैं डोमेन नेम में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं जो लास्ट के तीन लेटर्स होते हैं वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द डोमेन नेम के तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वन तो अनदर क्वेश्चन हमारा जो है देट इज़ एजुकेशन जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ पर हम डोमेन में लास्ट पर कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं तो ये मैं थेरेटिकल पोर्शन में पढ़ा चुकी हूँ तो वहाँ पर हम डॉट ई डी यू यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अनदर आप uh, कौन सा डोमेन यूज़ करते हो जब आप प्रॉफिट बिजनेस uh, के बारे में कुछ सर्च करते हो तो उसके लिए हम डॉट कॉम का यूज करते हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी डॉट कॉम तो आपका uh, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन में दैट इज द इंटरनेट तो हम देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है अडैच इज अ टर्म यूज वेन अ सर्च इंजन रिटर्न पेज दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया कौन सी टर्म हम यूज करते हैं जब सर्च इंजन हमें वही पेज ला के देता है जो हमने सर्च किया होता है उसको हम बोलते हैं हिट ओके तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा हमारा हिट So thank you so much for uh, watching my video if you're new on channel then kindly subscribe it